I can fight it. This is war, I don't know. I will let you go, let it flow. SS राजामौली जल्द ही सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं। RR की सक्सेस के बाद डायरेक्टर SS राजामौली हिस्टोरिकल फिल्म से हटकर एक अलग थीम पर फिल्म बनाएंगे। महेश बाबू भी SS राजामौली के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इन दोनों का काफी तगड़ा फैन बेस है, ऐसे में इनकी फिल्म भी बड़े लेवल की बनेगी। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 400 से 500 करोड़ तक हो सकता है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में महेश बाबू ने किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेने से इनकार कर दिया है। SS राजामौली एक बेहतरीन विजनरी डायरेक्टर है और ऐसे में और वो अपनी हर फिल्म के लिए एक्टर चेंज करते रहते हैं, तो इस बार वो महेश बाबू के साथ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर करें। डायरेक्टर SS राजामौली जल्द ही सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। मीडिया से बात करते वक्त SS राजामौली ने इस बात की पुष्टि की है। RRR की सक्सेस के बाद डायरेक्टर SS राजामौली हिस्टोरिकल फिल्म से हटकर एक अलग थीम पर फिल्म बनाएंगे। महेश बाबू भी SS राजामौली जी के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जिसमें हमें हॉलीवुड के भी दिग्गज एक्टर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से हमें थोर मूवी के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलेंगे। SS राजामौली ने बताया कि वो इस फिल्म को इंडियाना जोन से इंस्पायर होकर बना रहे हैं। डायरेक्टर SS राजामौली और महेश बाबू का काफी तकड़ा फैन बेस है और ये फिल्म भी उसी लेवल की होगी। इसमें हमें लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का बजट 400 से 500 करोड़ तक का हो सकता है। SS राजामौली एक बेहतरीन विजनरी डायरेक्टर हैं और वह अपनी हर फिल्म के लिए एक्टर को चेंज करते हैं, तो इस बार वो महेश बाबू के साथ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। महेश बाबू फिलहाल अपनी 28वीं फिल्म के शूट में बिजी हैं। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।